जिले की नौगांव पुलिस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और वर्तमान में विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस की माने तो खुद को सिंगार की पांचवी पत्नी बताने वाली महिला ने ही मामला दर्ज कराया है। उमंग का मामला दर्ज होते ही सियासत भड़क गई और बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। आरोप के बाद उमंग सिंगार ने वीडियो सामने आया जिसमें हताश उमंग बोल रहे हैं कि महिला प्रताड़ित कर रही थी, आत्महत्या तक की नौबत आ गई थी, मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। धार से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया, करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे इसकी क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है, लेकिन वो हमारी मैं ठीक है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था, उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था मैं, क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड निकल, तो मैं क्या मैं अपनी जनता की सेवा करूं कि मैं सुसाइड करना पसंद करूं? तो मैंने जनता की सेवा करना पसंद किया, जो भी मेरे पे झूठे आरोप लगाएंगे उसको मैं ठीक है, न्याय है, न्याय की मांग करूंगा, न्याय के हिसाब से जैसा भी माननीय न्यायालय जब मैं जाएगी बात मैं अपना पक्ष रखूंगा, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान के न्याय। सिंगार के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ है, साथ ही अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज हुआ है, पूरा मामला क्या है? कल 20 नवंबर को थाना नौगांव में विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ घरेलू हिंसा 498A 377, 376(2)N, 323, 294, 506 IPC की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है, और इस पीड़िता के बताए अनुसार पुलिस ने मुकदमा कायम करके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।